दिव्यांग बिसाहूराम का उजरा सियाना बारिश में गुजारे की सताने लगी चिंता। हम बात कर रहे हैं गरियाबंद जिले के विकासखंड छुरा के ग्राम सुरंगपानी के रहने वाले दिव्यांग बिसाहूराम की, जो बचपन से एक पैर से दिव्यांग है और उनके दो छोटे बच्चे एवं पत्नी हैं। बचपन तो माँ बाप के साये में गुजारी तो बिसाहू को तकलीफ पता नहीं चला, लेकिन माँ बाप के गुजरने के बाद बिसाहू अकेले जीवन की हर परिस्थिति को झेलने मजबूर हैं। इनके पास अपनी खुद की खेतीबाड़ी के लिए कोई जमीन भी नहीं है जिससे की से कुछ अतिरिक्त आमदनी हो। बिसाहूराम काम नहीं कर पाता है, उनकी पत्नी के कामकाज से घर का गुजारा होता है। उनके पास अतिरिक्त कुछ पैसा नहीं बच पाता है जिससे कि वो अपने रहने के लिए घर बना पाए। वे कई वर्षों तक सरकार के आवास योजना के लाभ मिल पाने का इंतजार करते रहे, लेकिन एक कच्चे कमरे में गुजारा संभव नहीं हुआ तो उनकी पत्नी ने महिला समूह से कुछ ऋण लेकर दो कमरे का कच्चा मकान बनाकर ऊपर से सीमेंट की चादर लगाकर ये सोचे कि हम महिला समूह के ऋण को धीरे धीरे अदा करते रहेंगे। कम से कम रहने के लिए घर की चिंता तो दूर हो गई, किंतु अभी महिला समूह का उधारी पूरा पैसा पटा ही नहीं था कि कल रात आए तेज आंधी तूफान से घर का छप्पर उड़ गया और सभी सीमेंट की चादरें टूट फूट कर तहस नहस हो गई, जिससे दिव्यांग बिसाहूराम को बारिश में गुजारे की चिंता सताने लगी। अच्छी बात तो ये रही कि छप्पर के टूटने से किसी को चोट नहीं आई और तुरंत घर से बाहर निकलकर रात पड़ोस के घर में अपनी परिवार के साथ गुजारे। पंचायत में सरपंच से जानकारी लेने पर बताया कि प्रधानमंत्री आवास सूची में उनका नाम तो है, पर अभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आवंटन भर आया है। सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग का आवंटन प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है। यह आवंटन शुरू होने के बाद ही दिव्यांग बिसाहूराम को आवास योजना का लाभ मिल पाएगा। वास्तविक में उनके रहने के लिए घर सही नहीं है, पर यह आवंटन हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं होने के चलते हम भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। प्रशासन एवं सरकार को चाहिए कि ऐसे गरीब दिव्यांगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में अलग से दिव्यांगों के लिए कोटा हो और उनका त्वरित लाभ इन्हें मिल पाए। शाम को आंधी तूफान आया था, उसमें गिर गया। रात में कैसे किए फिर? दूसरी जगह गए थे। अभी तक आपको प्रधानमंत्री आवास वगैरह मिला है? अभी तो आवास का नहीं मिला है। इसको आप क्या अपने स्वयं के पैसे से बनाए थे? जी, स्वयं के पैसे से बनाए थे, शंभू से लोन लिया था, उसी के सहारे बनाए थे। अभी बरसात के लिए कैसे करोगे? अच्छा, आप दिव्यांग हैं क्या? जी। आपको पेंशन वगैरह मिलता है? मिलता है। राशन कार्ड में चावल वगैरह? चावल मिलता है। तो आवास अभी तक नहीं मिल पाया आपको? नहीं मिल पाया। आपका नाम क्या है? बिसाहूराम। कौन से गांव रहते हो आप? सुरंगपानी।